हर हर गंगे सभी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा जी जी ब्लॉग में। और आज हम आए हुए हैं उत्तराखंड के शहर हरिद्वार के परमार्थ आश्रम में। हरिद्वार में अक्सर करके सोमवती अमावस्या या विशेष कोई पर्व होता है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उस समय आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ हम शांति से जाकर के स्नान कर सकें, थोड़ी देर बैठ सकें, चिंतन कर सकें। परमार्थ आश्रम के पार करके ही ऊपर की ओर ये घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है, शांति रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। आज हम कल सोमवती अमावस्या है इसलिए आज ही बहुत सारे लोग आ गए, इसलिए यहाँ इतने लोग आपको देखने को मिल रहे हैं। और आप जब भी हरिद्वार आते हैं और एक अच्छी सी लोकेशन की तलाश करते हैं तो हम आपको वो लोकेशन दिखाने जा रहे हैं जिसे देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। महादेव शिव शंकर भगवान भोलेनाथ का भी यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसे देख करके आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। गंगा जी बहती हुई घाट और यहाँ से दिखने वाले पर्वत और एक अच्छी लोकेशन, और अंदर आश्रम में भी जा कर के आपको दिखेगा यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य है, अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत शांति रहती है, योग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे। और स्नान करने के बाद में आप यहाँ पार्क में भी बैठ करके योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। कुछ देर बैठ करके गंगा को फील कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे ही मंदिर है शिवशंकर भगवान भोलेनाथ का भी, मैं वहाँ आपको लेकर के चलूँगा, बहुत सुंदर मंदिर है। गंगा जल लीजिए और शिवलिंग पर चढ़ाइए, पुण्य कमाइए, हर हर महादेव। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये परमार्थ आश्रम और इस पे ये घाट। जब भी हम बाहर आते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि हमें कोई एक अच्छी ऐसी लोकेशन मिले जहाँ पर कि हम अपनी वीडियो शूट कर सकें, व्लॉग शूट कर सकें, अच्छी लोकेशन पर अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच सकें। तो मुझे लगता है कि ये जगह आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है यदि आप हरिद्वार में खोज रहे हैं ऐसी जगह कि जहाँ पर आप एक अच्छी लोकेशन पर वीडियो शूट कर सकें, रील बना सकें, शॉर्ट्स बना सकें। तो ये जगह आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ इन पेड़ों के पास जो फ़ोटो का बैकग्राउंड लुक आता है वो एकदम गजब आता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के पास। ये हमारी गरिमा जी जी ब्लॉगर घूम रही हैं, आज इन्होंने कहा कि आज का ब्लॉग पापा जी आप शूट कीजिए। ज्यूम ज्यूम ज्यूम, ये देखिए कितना अच्छी लोकेशन है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको महादेव के दर्शन कराने के लिए। श्री धर्म गंगेश्वर महादेव शिव शंकर भगवान भोलेनाथ का ये यहाँ पर बाहर नंदीश्वर प्रतीक्षा करते रहते भगवान भोलेनाथ जी। देखिए ऐसे भी आपको भगवान शिव शंकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। पूरा ही आश्रम, पूरा आश्रम बहुत ही सुंदर हरियाली, वृक्षों और पेड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर खीरे की, ककड़ी की बेल भी हैं, वनस्पति है, औषधि पेड़ भी हैं यहाँ पर। हरिद्वार आए आप और तो इस आश्रम में एक बार यदि आपके पास समय रहता है तो ज़रूर आइएगा। यहीं पर भारत माता का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, बहुत सारे मंदिर, देखने योग्य मंदिर हैं यहाँ पर। यहाँ पर आएँ और इन पेड़ों के साथ आपने सेल्फी नहीं ली तो फिर बेकार है आपका यहाँ आना। देखिए ये जा रहे हैं लोग, और आप यहाँ पर एक स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और गजब लगेगी। ये है हमारी जानू बेबी सोना, ऐसे करके बोलते हैं लेकिन मैं इनको सेठ जी बोलता हूँ। सेठ जी एक स्माइल दे दो। हाँ सेठ जी, हाँ भाई बिट्टू, बाय बाय।
व्यू देखिए आप, घाट भी खूब लंबा चौड़ा घाट है, कितनी भी भीड़ यहाँ आराम से आकर के नहा सकती है। पीछे पहाड़ों की हिल स्टेशन देखो, वो पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। आपकी रील्स बेहद शानदार और जानदार हो जाएगी यहाँ आने के बाद। चारों तरफ एक अलग ही आपको वातावरण यहाँ देखने को मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। गैलरी में चारों तरफ लगे हुए पेड़, सामने बरगद का बहुत विशाल पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर ये खेती करते रहते हैं, औषधि खेती करते रहते हैं। देखिए यहाँ देसी खाद डाला जा रहा है गौशाला का, और ट्रैक्टर चल रहा है। हो सकता है जब भी आप रील बनाने आए तो यहाँ पर और बहुत सुंदर नज़ारा हो। अभी मैं आपको, क्योंकि हम अभी स्नान करके निकल रहे हैं, बाहर निकल के मैं आपको पूरा इसके बारे में बताता हूँ। बहुत ही सुंदर घाट है, और आप यहाँ आते हैं तो आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। प्रकृति की गोद, आपने नाम सुना होगा, लेकिन जब प्रकृति की गोद की बात आती है तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यही प्रकृति की गोद है। ये देखिए, योग पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र परमार्थ आश्रम, यहाँ पर आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी आनंद ले सकते हैं। और निश्चित जैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है और वैसा ही यहाँ पर माहौल है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी आकर के आप रील्स बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं, स्लो मोशन की वीडियो बहुत अच्छी बनती हैं। सुलभ शौचालय भी है यहाँ पर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आश्रम इसमें है, घाट पर जैसे ही अंदर आते हैं तो आप इसके अंदर जा कर के महिलाएँ पुरुष कोई भी हों जा सकते हैं। अभी हम बाहर चलेंगे तो आपको एंट्रेंस भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये ब्लॉग शूट किया है नहाने के बाद में। आप यहाँ पर साएं 5:30 बजे गंगा जी की आरती होती है, आरती में भी शामिल हो सकते हैं। चारों तरफ इतनी अच्छी लोकेशन है कि वहाँ पर आप कोई भी वीडियो बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं। यहाँ भीड़ भी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या है, इस वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ है। ये आगे हमारे वीडियो शूटर, आप हमारे मौज पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, गरिमा जीजी देवकांत हिंदुस्तानी के नाम से आईडी है। यहाँ की रील्स और वीडियो आप हमारी देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से फिल्माया। तो एक बेहतरीन एडिटिंग करके आप बहुत ही सुंदर लोकेशन का आनंद और लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ से आप नीचे उतर जाएंगे तो श्री धर्मगंगा घाट, ये परमार्थ आश्रम को ऊपर चढ़ते ही आप जैसे जाएंगे तो नीचे उतरेंगे तो आप इसी घाट पर आएंगे जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये परमार्थ आश्रम है, जिसपे आप रोड पे से इसके अंदर होकर के आएंगे तो परमार्थ घाट पर आ जाएंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, जिन सीढ़ियों को चढ़ करके आप परमार्थ घाट के लिए जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है। आप अच्छे अच्छे मूर्तियों के दर्शन भी यहाँ कर सकते हैं। नर नारायण अवतार है, भगवान शंकर पार्वती गणेश जी को गोद में लिए हुए। बहुत ही अच्छा आश्रम भी बहुत अच्छा है। ये आपने कहानी सुनी होगी, हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई हुई थी, तो हाथी का पैर पकड़ लिया था मगरमच्छ ने। हाथी काफ़ी देर तक प्रयास करता रहा, लेकिन जब हाथी ने नारायण भगवान का स्मरण किया तो नारायण भगवान गरुड़ पर बैठ करके तुरंत पधारे और हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से मुक्त कराया था। ये आप देख सकते हैं, ये कहानी कई भागवत कथाओं में भी आती है। बहुत अच्छा सुंदर प्रसंग आता है जिसे साधु महात्माओं के द्वारा हम सुन सकते हैं, तो आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। परमार्थ स्वर्ण जयंती भवन है।
या रुकने की व्यवस्था है, आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं। आश्रम की फॉर्मेलिटियाँ हैं, करो शुभ कर्म है मानव तुम अपनी ज़िंदगी में, रहो दुनिया में ऐसे ज्यो कमल रहता है पानी में, पाके दौलत बसर को रहना है वाजिब इज्जत तरह, जिस तरह झुक कर रहो वो शाख जिस पे आए फल।